कोई नगर पालिका के वार्ड नंबर एक में खस्ता हाल गलियों, साफ सफाई, जल भराव व वार्ड में LED लाइट न लगी होने की समस्याओं को लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। मांगे न पूरी होने पर करेंगे धरना प्रदर्शन। आप लोगों की समस्याओं को लेकर अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे आपके साथ। गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आज हम लोगों ने हरदोई जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। समस्या है वार्ड नंबर 1 टिलिया, वहां अभी तक गलियों में कोई रोड नहीं बने हैं और जो टिलिया की मेन गली है उसमें भी अभी तक रोड नहीं बना है। गली टूटी है, मोहल्लावासियों को निकलने में दिक्कत हो रही है। और नंबर वार्ड नंबर 1 टिलिया में जो LED लाइटें लगनी चाहिए मोहल्ले में कहीं लाइट नहीं लगी, अंधेरा रहता है और ना सफाई होती है ना झाड़ू लगती है मोहल्लों में। और ये पटरी दुकानदार आए हैं, इनका उत्पीड़न हो रहा है, इनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, इनका जो सौदा है वो उठा के फेंका जा रहा है, इनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। इसको लेकर आज हम लोगों ने DM साहब को ज्ञापन दिया है कि पटरी दुकानदारों के साथ न्याय हो, अगर इनके साथ अन्याय होता है तो हम समाजवादी लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, इनका साथ देंगे।